सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको पूरे सोना एलिवेटर रोड का अपडेट देने वाला हूं। 21 किलोमीटर लंबा ये पूरा परियोजना है और अच्छी बात यह है कि आज जो मैं आपको अपडेट दूंगा वो पूरा एक्सप्रेस लेन पे देने वाला हूं। पहले ये दो लेन का हुआ करता था, ईस्ट साइड कुछ इस तरीके का दिखा करता था 2019 में, और आज 2022 में ये दिखता है इस तरीके का 5 लेन का। 3 लेन का इस पे एक्सप्रेस लेन है और 2 लेन का सर्विस रोड है। और आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ज़्यादातर हिस्सा इसमें रहने वाला है एक्सप्रेस लेन का, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज आपको अच्छा खासा अपडेट इसके ऊपर देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बोर्ड दिख जाएगा जिसके ऊपर लिखा भी है दिल्ली बड़ोदरा एक्सप्रेसवे, यहाँ से है 5 किलोमीटर और इसी जगह से सोना सेक्टर 2 से ये स्टार्ट हो रहा है सोना एलिवेटेड रोड। आधा इसका हिस्सा बनकर ये तैयार हो चुका है तो इसलिए इस पर ड्राइव करने वाले हैं। फिर आगे जहाँ से इसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है वहाँ से आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं। और हाँ, बीच में जहाँ पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो रहा है वो पार्ट भी दिखाऊंगा, तो चलिए चलते हैं। ये जो दोस्तों जगह देख रहे हो, इसी जगह से हमें और आपको कनेक्टिविटी मिलेगी इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे का, जी जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इसी जगह से ये जो सर्विस रोड बनाया गया है इसी के जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं इंडिया के इस सबसे बड़े बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पे बात करूँ यहीं से स्टार्ट हो रहा है ये, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर एक नया स्ट्रक्चर बना है और ये यहाँ पर बना है रेस्ट एरिया, बहुत ही छोटा सा है लेकिन इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे आपको बहुत सारे रेस्ट एरिया देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अभी इंटरचेंज का काम किया जा रहा है, इसी जगह से सोना सेक्टर 36 से ये स्टार्ट हो रहा है और इसी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से ये बनाया गया है सोना रोड। इस जगह से सोना सेक्टर 36 से राजीव चौक गुड़गांव है 15 किलोमीटर, जी हाँ, तो चलिए चलते। ये जगह है दोस्तों घमरौज, यहाँ पर आपको और हमें टोल प्लाजा देखने को मिलेगा।
इस टोल प्लाजा पे अगर आप पूछेंगे कि भाई टोल शुल्क कितना है एक साइड का, सिर्फ अगर आप जाते हैं तो आपको लगेंगे 40 रुपए और अप एंड डाउन है 70 रुपीज। इस जगह पर यहाँ से अब काम स्टार्ट होता है फेज वन का, क्योंकि इस सोना रोड को दो फेज में डिवाइड किया गया था। तो फेज टू का पार्ट तो हमने देख लिया है उसके ऊपर ड्राइव करके, लेकिन ये जो फेज वन का पार्ट है इसके ऊपर यहाँ पर जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है ये इस पूरी परियोजना पे सबसे बड़ा होने वाला है। 5 किलोमीटर लंबा पूरा फ्लाईओवर बनाया जाना है और इस एक फ्लाईओवर की मदद से आप इस रूट पे पड़ने वाले कुछ बिजी जगहों को आप क्रॉस कर जाएंगे, जैसे कि बादशाहपुर, वाटिका चौक। तो इन सभी जगहों को क्रॉस करके आप रहेजा मॉल के पास फाइनली इसके जरिए नीचे आओगे। पूरे 5 किलोमीटर लंबे पार्ट पे सिर्फ 100 मीटर का हिस्सा है जिसके ऊपर अभी काम किया जाना है। अदरवाइज ये जो पूरा एलिवेटेड पार्ट है ये बनकर तैयार हो चुका है और इसके ऊपर सिर्फ यही पार्ट है 100 मीटर का जिसके ऊपर अभी टीम काम कर रही है। अगली बार जब हम और आप आएंगे ना तो उस वक्त तक पूरा ये एलिवेटेड पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, और हम और आप इसके ऊपर से फराटेदार आगे की तरफ जा सकते हैं। अब ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो दोस्तों, इस जगह से फिर इसका जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि यहाँ से आगे जो पूरा इसका हिस्सा है वो बनकर तैयार हो चुका है। इसके नीचे है वाटिका चौक। तो वापस यू टर्न लेके मैं यहाँ से फिर से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन हो। सिर्फ 100 मीटर का जो वो पार्ट है जिसके ऊपर अभी काम किया जाना है। अगली बार जब हम और आप आएंगे तो आई होप कि वो बनकर तैयार भी हो जाएगा, लेकिन आज अभी तो नहीं हुआ है भाई। और आप ट्राई भी मत करना इस पे अभी ड्राइव करने का, अदरवाइज रास्ता बंद है तो आपको बहुत दूर से वापस यू टर्न लेकर और फिर नीचे सर्विस रोड को कनेक्ट करते हुए आगे की तरफ जाना पड़ेगा। ये एलिवेटेड पार्ट अब यहाँ पर नीचे आता है और आगे अगर आप देखेंगे तो हमें और आपको दिखेगा एक अंडरपास जो कि बनाया जा रहा है। अंडरपास की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली इसका काम हो चुका है। जब मैंने लास्ट टेस्ट का अपडेट दिया था तो उस वक्त पे भी आपको दिखाया था, आज भी आपको दिखा देता हूँ।
क्योंकि इस पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम अब कुछ रह नहीं रहा है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से ये जो शेड लगाने का काम है वो कर दिया जा चुका है। अब इस पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन किया जा रहा है, यानी कि लाइटिंग लगाई जा रही है रात के वक्त के लिए। दिन के वक्त तो सफिशेंट लाइट है यहाँ पर, उसके लिए तो हमें और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो इसके ऊपर सोलर प्लेट्स भी डाले गए हैं इस अंडरपास के ऊपर, ताकि रात के वक्त इसमें जो रोशनी रहेगी, लाइट रहेगी, वो उसी सौर ऊर्जा से चलेगी। तो ये ट्रांसपेरेंट रखने का फायदा अब आपको दिख रहा होगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर वॉल खड़ा कर देते दोनों तरफ तो इस जगह पर दिन के वक्त भी लाइट लगाना पड़ता, जिससे कि क्या होता कि इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो तो बढ़ ही जाता और खामों का इलेक्ट्रिसिटी भी बर्बाद होती। सुभाष चौक है ये जगह और ये अंडरपास यहाँ पर इसलिए बनाया गया कि ऑलरेडी यहाँ पर एक फ्लाईओवर था, तो अगर फ्लाईओवर यहाँ पर बनाते तो ये वाला जो फ्लाईओवर है वो बहुत ऊँचा हो जाता और इसी वजह से यहाँ पर अंडरपास बनाया गया। तो ये जगह है जहां पर ये परियोजना होता है खत्म। और आज का ये अपडेट देखकर आपको बहुत ही मजा आया होगा, आई नो, क्योंकि इससे एक उम्मीद जग गई होगी कि इस महीने तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है ज्यादातर काम इस पे है नहीं और इस महीने को अभी खत्म होने में टाइम भी है। जी हाँ, तो इसी वजह से हमारे आपके लिए एक अच्छी खबर तो आ ही गई कि जल्द ही ये पूरा सोना रोड स्टार्ट होने वाला है। जी, सामने ये जो अंडरपास देख रहे हैं इसकी मदद से आप गुड़गांव सिटी जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन भी जा सकते हैं। लेफ्ट अगर लेंगे यहाँ से तो हम और आप जा सकते हैं NH8 पे। सामने यहाँ से देखेंगे तो NH8 हमें और आपको दिख भी जाएगा। तो यहीं पर आकर ये खत्म होता है पूरा 21 किलोमीटर का पार्ट, या फिर अगर आप गुड़गांव से स्टार्ट करते हो तो इसी जगह से स्टार्ट होता है। ऐसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अब जल्द ही ये सोना रोड स्टार्ट होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।